ভালো দুধের ওই দিন তো ভালোই কাজ বাড়ে তারপরে দেখো খেলে দারুন দারুন দারুন
पैंट का डिलीवरी आया, एक गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था कि एक ही है अच्छे क्वालिटी का, पर इसमें उसमें लिखा भी था दो, मैंने देखा नहीं, दो है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। 560 रुपीज़ का था, तो अगर एक होता तो अच्छे क्वालिटी का होता, लेकिन ये दो का कॉम्बो है, पता नहीं कैसा क्वालिटी है, देखते हैं। तो ये आया, ठीक ठाक ही लगा है, फिटिंग है, सब वाला भी ठीक ही होगा, साइज सेम है। तुम्हारे भाई ने एक कूल सा चीज़ करा है, मैं इसको थोड़ा रीलोड कर देता हूँ, देखिएगा ये देखो अभी आएगा, ये एक गया दूसरा गया, ऐसा करके एनिमेशन होता है। तो ये बर्थडे केक है, मम्मी का बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। भाइयों आज एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक स्टोरी है चार्जर सेल्स कंपनी की। क्या होता है, सबसे पहले तो चार्जर सेल्स कंपनी में सेल्स लोगों को हायर किया जाता है, जो कि सेल्स जाके बेचने के लिए हायर किया जाता है। तो उन्हीं में से एक सेल्स का बंदा है जो दुकान में जाता है, दुकान में जाके कन्विंस करने की कोशिश करता है, भाई मेरा चार्जर देख लो बहुत ही अच्छा है, कुछ तो ऑर्डर दे दो। दुकानदार मना कर देता है, बोलता है एक तुम फ्री में रख लो, तुम ट्राई करके देखो, उसके बाद ऑर्डर करना, वो भी मना कर देता है। तो बहुत ह्यूमिलिएट हो जाता है, और साथ में सेम एक दूसरे सेल्स पर्सन के साथ भी यही होता है। फिर वो जाता है वापस मालिक के पास और बोलता है कि ये हुआ मेरे साथ, ये क्या बेकार चीज़ तुमने बनाई है, कोई लेना ही नहीं चाहता। तो वो मालिक बोलता है कि ठीक है तुम एक काम करो, मैं अभी सारे सेल्स के बंदों को छुट्टी दे रहा हूँ, तुम लोग भी छुट्टी में जाओ, दो दिन बाद वापस आना। तो सेल्स के बंदों वो लोग चले जाते हैं। फिर वो क्या करता है, अपने असिस्टेंट को, किसी के असिस्टेंट को फोन करता है, बोलता है कि तुम उन लोगों को बोल दो वो काम करना है। वो काम क्या है मैं बताता हूँ। तो 10-15 लोगों को वो लोग लाते हैं, बैठाते हैं, बैठाने के बाद उनको क्या करते हैं, मतलब पैसे दे के रखते हैं बंदे को, मतलब उनके